नमस्कार, मेरा नाम जयेश कुमार शर्मा है और मैं आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज के सत्र में हम लोग देखेंगे कि वेबसाइट को इफेक्टिव बनाने के लिए जावा स्क्रिप्ट का हम इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। लर्निंग आउटकम जो हमारे होंगे आज के सत्र के, वो होंगे क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग में जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं, जावा स्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स क्या क्या हैं और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को हम जावा स्क्रिप्ट में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग के साथ। आप लोगों ने पहले वाले सत्र में देखा होगा कि कोई भी वेबसाइट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर ही काम करती है। तो कोई भी वेबसाइट अगर आप देख रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करेगी। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का मतलब था क्लाइंट अपनी रिक्वेस्ट सर्वर को भेजता है, सर्वर उस रिक्वेस्ट को समझता है, उसको प्रोसेस करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद जो रिस्पॉन्स निकल के आता है वो क्लाइंट को वापस भेज देता है। इस चित्र को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें दो सिस्टम नज़र आ रहे हैं। पहला सिस्टम है क्लाइंट और दूसरा है सर्वर। तो क्लाइंट के थ्रू जब भी मैं कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं google.com देखना चाहता हूँ, तो google.com में ब्राउज़र के माध्यम से टाइप करूँगा और उसको भेज दूंगा सर्वर के पास, तो वो मेरी रिक्वेस्ट बन जाएगी। गूगल सर्वर उस रिक्वेस्ट को समझेगा, उसको प्रोसेस करेगा और उसके अकॉर्डिंग जो भी पेज आएगा वो वापस क्लाइंट को भेज देगा। इसको हम कहते हैं रेस्पॉन्स। तो जो भी प्रोसेसिंग हमारी हो रही है वो सर्वर की तरफ हो रही है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि सर्वर प्रोग्रामिंग यहाँ पर हो रही है, यानी कि सर्वर सारा काम कर रहा है। तो अगर सर्वर प्रोग्रामिंग की हम बात करें तो पहली बार देखने में नज़र आता है कि जब भी हम कुछ एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर तो सारा काम सर्वर करेगा। तो अगर सारा काम सर्वर कर रहा है तो यहाँ पर समस्या है। क्या हर काम हम सर्वर को दे सकते हैं, हम हर काम के लिए सर्वर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं? क्या ये सही प्रोग्रामिंग अप्रोच है? नहीं। अगर हम हर काम सर्वर के ऊपर डाल देंगे तो उसमें कई प्रॉब्लम आएंगी। उसमें तीन तरह की प्रॉब्लम हम जनरली बताते हैं। पहला है नेटवर्क लेटेंसी, जो आपने पहले की स्लाइड में भी देखा था कंप्यूटर नेटवर्क की में, कि लेटेंसी का मतलब होता है देरी, यानी ट्रांसमिशन में जो देरी हो रही है कुछ कारणों की वजह से उसको हम नेटवर्क लेटेंसी कहते हैं। इसके अलावा ओवरलोडेड सर्वर, जब हम सर्वर के ऊपर सारा काम दे देंगे तो सर्वर ओवरलोड हो जाएगा और उसकी प्रोसेसिंग स्पीड स्लो होने लगेगी, वो आपकी रिक्वेस्ट देर से हैंडल करेगा। तीसरा है स्लो रेस्पॉन्स, चाहे नेटवर्क लेटेंसी की वजह से हो या सर्वर ओवरलोड की वजह से हो, सर्वर से आपके पास रिस्पॉन्स लेट आएगा। तो हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन क्या है? अगर हम सारा काम सर्वर को नहीं दे सकते तो हमें इसके लिए कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन भी चाहिए। अल्टरनेट सॉल्यूशन है क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग। क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग का मतलब है कि वो काम जिसके लिए हमें सर्वर की ज़रूरत नहीं है वो हम अपने लोकल मशीन पर, लोकल क्लाइंट पर ही कर लें और उस काम को हम कहेंगे क्लाइंट प्रोग्रामिंग और क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग। जैसे कि हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है तो वो कैलकुलेशन करने के लिए हमारा सिस्टम भी सक्षम है, उस काम को हमें सर्वर तक भेजने की ज़रूरत नहीं है। हमें कुछ डेटा को प्रोसेस करना है, वो काम हमारा कंप्यूटर कर सकता है, क्लाइंट कर सकता है, तो उस डेटा को भी हमें सर्वर पर भेजने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन कौन सी कैलकुलेशन और कौन कौन सी प्रोसेसिंग हमारी मशीन, क्लाइंट मशीन कर सकती है जिसको हमें सर्वर पर नहीं भेजना है? तो इसमें पहला उदाहरण आता है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन क्या होता है? आप सब लोग जब ऑनलाइन डेटा कोई भरते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म में तो वो आपसे पूछता है कि आपका ईमेल क्या है। एक उदाहरण के लिए ले रहा हूँ, तो ईमेल में मान लीजिए मेरा ईमेल है jayesh.sharma@gmail.com। हम सबको पता है कि ईमेल के अंदर @ होना ही चाहिए, तो अगर किसी ने @ नहीं लगाया है इसका मतलब उसने गलत डेटा डाला है। तो सर्वर पर भेजने से पहले मुझे उस डेटा को वैलिडेट करना पड़ेगा। वैलिडेट करने का मतलब है कि गलत डेटा मेरा सर्वर पर नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेटा वैलिडेशन, जिसमें हमारा प्रोग्राम ये चेक करेगा कि ईमेल का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसके हिसाब से यूज़र ने डेटा डाला है या नहीं डाला है, तो उसको हम कहते हैं डेटा वैलिडेशन। इसका एक और उदाहरण लेते हैं। आपसे अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपका मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है तो हम सबको पता है कि मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है और न्यूमेरिक होता है, लेकिन अगर कोई यूज़र उसमें करेक्टर डाल देगा या मोबाइल नंबर 5 या 6 डिजिट का डालेगा तो क्या होगा? तो इसका मतलब यह है कि डेटा को सर्वर पर भेजने से पहले मुझे उसको वैलिडेट करना होगा, तो मुझे डेटा वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब डेटा वैलिडेशन एक ऐसा काम है जिसके लिए मुझे बार बार सर्वर पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये काम मैं अपनी लोकल मशीन से क्लाइंट मशीन के थ्रू भी कर सकता हूँ। इसके अलावा दूसरा उदाहरण है अर्थमेटिक कैलकुलेशंस। नंबरों का एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, डिवीजन करना है, तो ये काम मेरी लोकल मशीन भी कर सकती है, लोकल कंप्यूटर भी कर सकता है, तो इसके लिए भी मुझे सर्वर पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारा सारा काम लोकल मशीन कर सकती है, क्लाइंट मशीन कर सकती है, तो करेगी कैसे?
तो उसके लिए हमारे पास वेब प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट होता है जावा स्क्रिप्ट, जिसको हम कहते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो जावा स्क्रिप्ट क्या है? एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम लोग क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग को करते हैं। अब थोड़ा सा जावा स्क्रिप्ट के बारे में जान लेते हैं कि जावा स्क्रिप्ट के क्या क्या फीचर हैं। जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम HTML के साथ एम्बेड करते हैं। एम्बेड करने का मतलब है कि HTML प्रोग्रामिंग जो अभी तक आपने सीखी है, उस HTML प्रोग्रामिंग के बीच में ही आपको जावा स्क्रिप्ट लिखनी है, जिसको हम कह रहे हैं एम्बेडिंग। यानी HTML और जावा स्क्रिप्ट एक साथ एक ही फाइल में हम लोग लिख सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट सीखने में आसान है, बहुत जल्दी हम इसको सीख सकते हैं और इस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट इंटरप्रेटर बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि अगर मैंने मल्टीपल कमांड्स, बहुत सारे कमांड एक साथ लिखे हैं, तो लाइन बाय लाइन ही उसका एग्जीक्यूशन होगा, एक बार में एक ही लाइन एग्जीक्यूट होगी, इसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन। इसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और ये जावा नहीं है। बहुत जगह कन्फ्यूजन होता है कि बहुत सारे बच्चे जावा और जावा स्क्रिप्ट को एक ही समझ लेते हैं, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जावा और जावा स्क्रिप्ट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हर तरह की फैसिलिटी है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो स्पेशली वेब प्रोग्रामिंग के मकसद से ही बनाई गई है। ये लाइट वेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी कि बहुत हैवी लोड हमारे सर्वर पर नहीं डालती है। इसके अलावा जावा स्क्रिप्ट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरेक्टिव वेब पेज बनाने के लिए। हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग जावा स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हैं इंटरेक्टिव वेब पेजेस बनाने के लिए। इसके अलावा अगर मुझे कोई डायनेमिक टेक्स्ट HTML के साथ इंटीग्रेट करना है, एम्बेड करना है, तो मैं जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने अपने किसी लॉगिन नेम में, अपने यूज़र नेम से सिस्टम में लॉगिन किया, तो जब आप लॉगिन करने के बाद देखते हैं तो वो आपको मैसेज दिखाता है वेलकम यूज़र, आपका नाम वहाँ पर आता है। तो इस तरह का अगर मुझे कोई काम करना है तो मैं जावा स्क्रिप्ट के थ्रू कर सकता हूँ। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण काम जावा स्क्रिप्ट करती है, वो करती है यूज़र के एक्शंस को हैंडल करने का, जिसको हम इवेंट भी कहते हैं। क्या होगा अगर मैं कोई एक बटन को क्लिक करता हूँ, या उस बटन के ऊपर माउस ले जाता हूँ, या फिर मैं उस बटन को डबल क्लिक करता हूँ, तो हर इवेंट या यूज़र एक्शन के ऊपर एक प्रोग्राम चाहिए होता है जिसके हिसाब से हमारा वेब पेज काम करेगा। तो जावा स्क्रिप्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है कि यूज़र एक्शंस और इवेंट्स को वो हैंडल करता है, और हमारा जो आगे का पूरा सत्र है वो यूज़र एक्शंस और इवेंट्स के ऊपर ही फोकस्ड है। जावा स्क्रिप्ट की मदद से यूज़र एक्शंस और इवेंट को हैंडल करते हैं। इसके अलावा जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हम लोग यूज़र की कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए भी कर सकते हैं, और लोकल कैलकुलेशंस या प्रोसेसिंग करने के लिए भी हम जावा स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हैं। अब इस चित्र में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। पहली चीज़ है वेब ब्राउज़र और दूसरा है वेब सर्वर। वेब ब्राउज़र हमेशा हमारा लोकल क्लाइंट्स पर होता है, यानी कि जिस मशीन से हम लोग वेबसाइट की रिक्वेस्ट दे रहे हैं उसको हम कहेंगे लोकल मशीन और क्लाइंट मशीन, जहाँ पर मेरा वेब ब्राउज़र रन हो रहा है। यहाँ पर मैं एक वेबसाइट को एक्सेस कर रहा हूँ। जैसे ही मैं वेबसाइट को एक्सेस करता हूँ या उसको देखना चाहता हूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि थ्रू गेट मेथड, यानी कि गेट मेथड को इस्तेमाल करते हुए रिक्वेस्ट मेरी भेजी जा रही है सर्वर पर। सर्वर उस रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है, और उसको प्रोसेस करने के बाद उसको पता लगा कि इसका HTML कोड क्या है। ये HTML कोड उसने रेस्पॉन्स की तरह वापस वेब ब्राउज़र या क्लाइंट मशीन को भेजा, और इस HTML कोड को वेब ब्राउज़र ने रन किया। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर हमें कोई भी काम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के थ्रू करना है तो हमेशा हमें यही पैटर्न फॉलो करना होगा, इसी पैटर्न पर आगे जाना होगा। लेकिन क्योंकि हम सर्वर का लोड बचाना चाहते हैं, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो इसमें से बहुत सारे काम हमें क्लाइंट पर ले जाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप जो पॉइंट नंबर 4 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ प्रोग्राम लिखा हुआ है जो सर्वर एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, बल्कि उसको एज ए रेस्पॉन्स वो क्लाइंट को भेज रहा है, और क्लाइंट उस कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि जावा स्क्रिप्ट में हम लोग अपना पहला प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, दो ब्लॉक। पहला ब्लॉक है कि मुझे क्या इनपुट देना है। तो मेरे इनपुट के अंदर है फर्स्ट प्रोग्राम, और यहाँ पर मुझे एक बटन देना है जिसको क्लिक करने के बाद मुझे डेट और टाइम डिस्प्ले होना चाहिए। तो सेकेंड जो पार्ट इसमें दिखाई दे रहा है उसमें आप देखेंगे तो तीसरी लाइन में आपको डेट और टाइम दिखाई दे रहा है। तो इस प्रोग्राम को अगर मुझे जावास्क्रिप्ट में लिखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे और इसको क्यों जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे। पहला कारण यह है जावास्क्रिप्ट में लिखने का कि अगर मुझे डेट और टाइम चाहिए तो मुझे सर्वर पर निर्भर नहीं होना है, मुझे अपनी कंप्यूटर मशीन का डेट और टाइम चाहिए, तो वो मैं लोकल प्रोसेसिंग के थ्रू या क्लाइंट साइड प्रोसेसिंग के थ्रू भी कर सकता हूँ।
तो इस प्रोग्राम को लिखने के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, इस चित्र में आपको दिखाई देगा कि हमें अपना पहला प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट में किस तरह से लिखना है। हम लोगों ने कुछ चीज़ें इस्तेमाल की हुई हैं जो हमें ये बता रही हैं कि हम HTML और जावास्क्रिप्ट को कैसे एम्बेड करते हैं। तो पहला सेक्शन यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि हमारे पास HTML कोड था, अगले ब्लॉक में हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कोड था, और हमने इनको एक साथ एक ही फाइल में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जावास्क्रिप्ट और HTML को हम एक साथ लिख सकते हैं और जावास्क्रिप्ट HTML के साथ एम्बेड हो जाता है। जो दूसरा सेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, ऑन क्लिक इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पैरा 1, डॉट इनर HTML इक्वल टू डेट, ये काम मेरा स्क्रिप्टिंग के थ्रू हो रहा है, स्क्रिप्टिंग के माध्यम से हो रहा है, यानी जावास्क्रिप्ट के माध्यम से हो रहा है। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर हम एक यूज़र एक्शन या इवेंट को हैंडल कर रहे हैं। वो यूज़र एक्शन और इवेंट क्या है, यहाँ पर मैंने एक बटन बनाया हुआ है, उस बटन को जब यूज़र क्लिक करता है तो क्लिक करने के बाद मुझे सिस्टम का डेट और टाइम दिखाई देना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी इवेंट हुई माउस क्लिक या यूज़र एक्शन हुआ माउस क्लिक। तो जब भी यूज़र इस बटन को क्लिक करेगा तो मुझे क्या करना है, ये काम मुझे जावास्क्रिप्ट के थ्रू बताना पड़ेगा कि क्लिक इवेंट पर आपको क्या करना है। तो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे हैंडल करते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक का मतलब है कि जब यूज़र इस बटन को क्लिक करेगा तो क्या होना चाहिए। तो उसके बाद हमने लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आई डी पैरा 1 डॉट इनर HTML इक्वल टू डेट, यानी कि हमारे पास एक पैराग्राफ ऑलरेडी है नीचे जिसको हमने आईडी दी है पैरा 1। इस पैराग्राफ के अंदर हम लोग सिस्टम से डेट ले रहे हैं और पैराग्राफ के अंदर डाल रहे हैं। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट आएगा जब हम लोग इस बटन को क्लिक करेंगे, तो क्लिक इवेंट के ऊपर मेरा जावास्क्रिप्ट रन होगा और रन होने के बाद वो सिस्टम की डेट उठा के पैराग्राफ में प्रिंट करेगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट को हम HTML के साथ एम्बेड कैसे करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट को HTML के साथ एम्बेड करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला है कि हम HTML हेड सेक्शन में स्क्रिप्ट टैग की मदद से जावास्क्रिप्ट को लिखते हैं। दूसरे तरीके के अंदर हम जावास्क्रिप्ट को एक नई फाइल के अंदर लिखते हैं और उसको नाम देते हैं .js एक्सटेंशन के साथ, और उसके बाद उस .js फाइल को हम लोग लिंक करते हैं हेड सेक्शन में। तो इस प्रोग्राम के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग का हमने इस्तेमाल किया हुआ है हेड के अंदर, जहाँ पर हमने लिखा है स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट, जो मुझे ये बता रहा है कि जावास्क्रिप्ट को मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, और इसको मैंने पहले मेथड या पहले तरीके के माध्यम से एम्बेड किया हुआ है HTML के साथ। इसी तरह से जब मुझे दूसरे तरीके से HTML के साथ जावास्क्रिप्ट को एम्बेड करना है तो भी मुझे स्क्रिप्ट टैग का ही इस्तेमाल करना है, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सी फाइल को मैं स्क्रिप्ट फाइल की तरह इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे मुझे एक एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा SRC, यानी कि सोर्स। उस सोर्स के अंदर मुझे पाथ देना पड़ेगा JS फाइल का, जिसके अंदर हमारी सारी स्क्रिप्टिंग लिखी होगी। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि जब भी हमें जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करना है तो स्क्रिप्ट टैग की मदद से हमें इसको करना है, और स्क्रिप्ट टैग हमारा हेड टैग के अंदर प्लेस होना चाहिए। अब इस चित्र के अंदर कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ उदाहरण दिए हुए हैं कि किस तरह से हम जावास्क्रिप्ट की मदद से इवन और ऑड नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये इसके आउटपुट हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। तो वो ऑपरेटर हमारे कई कैटेगरी के अंदर होते हैं। पहली टाइप है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर का मतलब है अर्थमेटिक ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। कौन कौन से ऑपरेटर हैं हमारे पास, प्लस माइनस स्टार स्लैश परसेंट प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। इसी तरह से हमारे पास कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं जो हमें कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि इक्वल लेस देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू। अर्थमेटिक ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ साथ कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लॉजिकल एंड लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ बिटवाइज ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट के अंदर सपोर्टेड होते हैं, जो होते हैं एंड और नॉट एक्सॉर लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। तो इन सारे ऑपरेटर्स की मदद से हम जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को इफेक्टिव बना सकते हैं और लोकल प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल की वैल्यूज़ को बहुत सारे फॉर्म में स्टोर करता है। वो नंबर हो सकता है, वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। किसी भी वेरिएबल को यूज़ करने के लिए हमें उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा, और उससे पहले हमें लिखना पड़ेगा var वेर, यानी जब भी हम कोई वेरिएबल यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इसको वेर से डिक्लेयर करना होगा, तो जावास्क्रिप्ट को पता लग जाएगा कि एक नया वेरिएबल हम यूज़ करना चाहते हैं।
जावास्क्रिप्ट के अंदर इफेक्टिव प्रोग्राम बनाने के लिए हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर की सुविधा भी अवेलेबल है। कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों के पास इफ स्टेटमेंट यानी कि इफ एल्स स्टेटमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर हम लोग कंपैरिजन करना चाहते हैं तो इफ और एल्स की मदद से हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास स्विच स्टेटमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट में, यानी कि अगर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो इफ की जगह हम लोग स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लूपिंग करने के लिए या अगर हमें लूप एग्जीक्यूट करना है तो वहां पर हमारे पास फॉर स्टेटमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है जो कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में उपलब्ध है, और फॉर के साथ साथ हम लोग व्हाइल स्टेटमेंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और इनका इस्तेमाल हम उसी तरह से करते हैं जिस तरह से किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग फॉर और व्हाइल को इस्तेमाल करते हैं। इस सत्र के अंदर हम लोगों ने देखा कि क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग का उपयोग क्या है, और हमें सर्वर साइड प्रोग्रामिंग पर निर्भर क्यों नहीं रहना चाहिए। क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग को करने के लिए जावास्क्रिप्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग इफेक्टिव प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, उनको इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इस सत्र में देखी। अगले सत्र में हम लोग जावास्क्रिप्ट के कुछ एडवांस टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि उन एडवांस टॉपिक की मदद से हम अपने प्रोग्राम्स को और इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। धन्यवाद।